सो हाय के स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज किसी ने फिर से बताने वाला हूँ स्पाइस मनी में तीन तरह का पैसा ट्रांसफर करने का ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट में YBL DMT, सेकंड में स्पाइस मनी DMT, थर्ड में BC मनी ट्रांसफ़र। ये तीनों से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन है, आपको EKYC कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप दो लाख तक यहाँ पे अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। स्पाइस मनी DMT BC मनी ट्रांसफ़र में आप 50,000 तक अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आज के सुन फ्रेंड्स बताने वाला हूँ YBL DMT EKYC कंप्लीट अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे करेंगे। आज के इशू में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें, छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए। अगर चैनल पर चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। आपको सबसे पहले इस बात मैंने एप्लीकेशन को ID पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना पड़ेगा। लॉगिन का इस तरह का ऑप्शन आपके पास स्पाइस का डैशबोर्ड यहाँ पे खुल कर जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना YBL DMT, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने में देखिए आपको यहाँ पे कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए मैं पढ़कर दिखला दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, यू आर नॉट ऑन बोर्ड फॉर दिस सर्विस, प्लीज़ ईमेल कलर कॉपी ऑफ योर POA एंड PO ऑन APS एक्टिवेट @spaismoney.cob.com। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस ईमेल पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है। एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, यहाँ पे पैन कार्ड की फोटोकॉपी, यहाँ पे कुछ वहाँ पे और डिटेल्स आपको डाल के वहाँ पे सेंड करना है इस ईमेल आईडी पे। चलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखला देता हूँ किस तरह से ये आपको इस ईमेल पे आपको पूरा चीज़ सेंड करना है। चलिए मैं आपको लाइव दिखला देता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए आपको जीमेल आईडी अपनी ओपन करना पड़ेगा। जीमेल को ओपन देखिए कंपोज का ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक देखिए फॉर्म में आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। टू में आपको देखिए कौन सा ईमेल आईडी डालना है वह मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। चलिए मैं टू में यहाँ पर डाल के दिखला दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टू में डालना है aob.activation@spaisdigital.in पे, ये आपको यहाँ पे टू में डाल लेना है, ये ईमेल आईडी डालना है। अब देखिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है। देखिए आपको यहाँ पे लिखा है सेकंड में एक्टिवेशन ऑफ YBL RBL EKYC, आपको यहाँ पे सेकंड में लिखना है। अब यहाँ पे कंपोजिशन ईमेल में आपको क्या लिखना है, चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ आपको लिखना है प्लीज़ एक्टिवेट माई YBL DMT एंड RBL EKYC। इसके नीचे आपको फ़ोन नंबर डाल देना है जो आपको स्पाइस मनी के साथ लिंक है। आपको यहाँ पे आपको आईडी अपनी डाल देनी है जो स्पाइस मनी की आईडी। नीचे में आपको नेम लिख देना, आपका क्या नेम है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड आपको यहाँ पे ना डालना, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर फिल कर लेना। आपको यहाँ पे आइडेंटी प्रूफ डालना, आपको आइडेंटी आपको एड्रेस आपको यहाँ पे एक्टिवेट यहाँ पे डालना है। आइडेंटिटी प्रूफ डालने के आपको यहाँ देखिए आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक के जहाँ पे आपका आइडेंटिटी प्रूफ वो रखा हुआ आपको यहाँ पे ले लेना है। आइडेंटिटी प्रूफ डालने के आपके पास यहाँ पे दोनों चीज़ आ जाएगा। वहाँ पर आपको पैन कार्ड की आइडेंटिटी प्रूफ, आपको आधार कार्ड की आइडेंटिटी प्रूफ आपको वहाँ पर ले लेनी है। किस तरह का आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेनी, चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखला देता हूँ। इस तरह के आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आपको किसी शॉप पे जाकर आपको अपना फोटोकॉपी करवाना है, आधार कार्ड की बैक साइड करवा लेना, आपको तब पैन कार्ड की अपनी फ्रेंड की आपको फ़ोटो करवा लेना। अगर आपके पास प्रिंटर है अपने सभी खुद से कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से करवा लिया है। चलिए मैं आगे का प्रोसेस दिखला देता हूँ। मैंने पूरा चीज़ यहाँ पर फिल कर लिया। आपको देखिए यहाँ पर आपको सेंड पर क्लिक करना पड़ेगा। सेंड पर क्लिक करने के बाद ये ईमेल उसके पास कस्टमर के पास चला जाएगा। वहाँ पे आपको 4 वर्किंग डेज के अंदर में ये आपका EKYC कंप्लीट कर देगा। चलिए मैं आपको एक KYC आपको दोबारा से कंपोज पे आएंगे। यहाँ पे आपको देखिए सर टू में आपको लिखना है, एक ईमेल लिखना है। चलिए मैं बता देता हूँ, spaiscustomercare@spaismoney.com, ये आपको यहाँ पे टू में आपको लिख देना। आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आपने फर्स्ट में जो डिटेल्स आपने फिल करी थी वही डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसा डिटेल्स आपने फर्स्ट में फिल करा था सेम वैसा ही डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। लेकिन आपको यहाँ पे चेंज है, यही है customercare@spaismoney.com, ये आपको यहाँ पे चेंज है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, आपने जिस समय आपने स्पाइस मनी रजिस्ट्रेशन करते समय जो ईमेल आईडी आपने दिया वही ईमेल आईडी से आपको ये डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है, तभी आपका वहाँ पे EKYC कंप्लीट होगा। चलिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखिए फिल कर दिया। आपको यहाँ पे ये दो डिटेल्स और फिल करना है। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड की फ़ोटो यहाँ पर, पैन कार्ड की फ़ोटो, ये यानी अटैच करना है यहाँ पर। चलिए आपको यहाँ पर अटैच पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। जो आपकी वहाँ पर
फाइल है वो फाइल को आपको ये पहुंच जाएगा, वो सारी चीज़ चेक करेगा आपको फोर वर्किंग डेज के अंदर में आपको वहाँ पे ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे ई केवाईसी आप कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन से, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई केवाईसी होने के बाद वहाँ पे आप 2 लाख तक का ट्रांसफ़र अदर बैंक में कर पाएंगे, यानी कि BC DMT वहाँ से आप 50,000 तक का वहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सो आई होप कि वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।